के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल की सी की सीरीज में आज हम क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मॉड के बारे में। क्या पढ़ेंगे? देखो, आपने नॉर्मल अगर मैथ में पढ़ा होगा तो मॉड एक ब्रैकेट के जैसे होता है, जिसमें कोई भी वैल्यू जो साइन होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे अगर प्लस में है तो आंसर प्लस में ही आता है, लेकिन अगर माइनस में है तो वो भी बाहर निकलता है, प्लस ही हो जाता है। लेकिन ये मैथ का अलग पोर्शन है, लेकिन जो इसमें फार्मूला है मॉड का, उसका अलग काम है, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, मॉड जब हम फार्मूला लगाते हैं, दो चीज मांगते हैं, एक नंबर और एक डिवाइजर जो उसको काटेगा। तो अगर कोई नंबर कट जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 15, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ 15 ये नंबर है और इसका डिवाइजर दिया हुआ है 5, तो क्या 5 से 15 कट जाएगा? तो इसका आंसर आएगा 0। क्या आएगा? 0 0, 0 आएगा। और अगर 15 नहीं, यहाँ 16 है और तब 5 से काटना है, तो 5 से 16 कितने बार में कटेगा? 3 कट जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, यानी तब रिमाइंडर की बात करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन देगा कि एक्स्ट्रा जा रहा है, तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग? रिमाइंडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिमाइंडर लिखेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब आपका नंबर माइनस में दिया हो, माइनस में, और 5 से डिवाइड करना हो, तो ऐसे कंडीशन में इस ध्यान रखिएगा कि 16 के बाद ऐसा आने वाला कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड हो जाएगा? 20 20 ना, तो कितना जोड़ दें 16 में, तो आंसर क्या आएगा? यानी इसमें आगे बढ़ना है। क्या बोला है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वाले ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 5 से डिवाइड हो जाए। दैट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड बाय, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 5, शुड बी डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5, यानी आने वाले जो नंबर होंगे, डिवाइडेड DD/5, यानी इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब 1 आया था, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर 0 आया था। इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, -4 नहीं आएगा, केवल 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन अगर वही माइनस 16 के पहले न लग के -5 के लग गया है, यानी कि डिवाइजर पे लग गया है, तो आंसर अभी भी वही है, फॉरवर्ड, यही सेम चीज लाइन यहाँ पे भी लिखेगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी -4 इसका आंसर है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए क्वेश्चन आजमा लेते हैं, देख लेते हैं कि ऐसी चीजें लिखना चाहेंगे क्या ये वाला। हाँ, लिख ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत आसान तरीके में मैंने समझा लिया है। इसमें भी यही है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, दैट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 5, तो 20 अभी भी हो रहा है, 4 ही के अंदर है, लेकिन इस बार डिवाइजर माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में ही आया। तो ये मॉड का तरीका है, चलिए हम मॉड का इस्तेमाल करते हैं। मैंने दोनों बातें समझा दी हैं आपको, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, हाँ, इसको रहने ही दे रहे हैं, मिटा नहीं रहे, साइड में करके दिखा दे रहा हूँ चारों। चलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, सामने मैं चारों क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ। इक्वल टू मॉड, ब्रैकेट ओपन, हाँ, और लिख दिया मैंने 15, और कामा क्या लिया, देखिए मांग रहा है, हाँ, डिवाइडेंड और डिवाइजर, ठीक है, कामा 5, ब्रैकेट क्लोज, आंसर क्या आएगा? आया, फिर इक्वल टू मॉड, ब्रैकेट ओपन, इस बार लिख दिया मैंने 16, कामा 5, इस बार आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? और रिमाइंडर कितना बचेगा? इक्वल टू मॉड, ब्रैकेट ओपन, -16, कामा 5, अब क्या आंसर आएगा? यानी आने वाला कौन सा नंबर, 16 के बाद कौन सा ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड है? 20, यानी 16 में कितना ऐड करेंगे? 20 आ जाएगा, 4, वो भी प्लस की माइनस में, प्लस में, और इक्वल टू मॉड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डिवाइडेंड 16 ही रहता है, और इस बार डिवाइजर को माइनस कर देते हैं, सॉरी 5, तो आंसर क्या आएगा?
बताइए जो मैंने लिखा है सेम अप्लाई हो गया कि नहीं अप्लाई हो गया। ऐसे आप किसी भी नंबर पे एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा। यही फार्मूला मोड का है, बहुत कम लोग जानते हैं मोड के बारे में, कुछ लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कुछ लोग को पता ही नहीं होता है, लेकिन आप लोग अब जान गए मोड के बारे में। कल तक हम लोग भी अनजान थे क्यों, और क्लास में ही सीखे, ऐसा भी नहीं मैं कहीं अलग से जाकर रिसर्च किया हूँ। तो यही है, अगर आप किसी चीज के लिए जागरूक है, जानना चाहेंगे ना, तो चीजें आ जाती है, सिद्धत वाली चीजें हैं, सिद्धत से कोई चीज करके हो जाएगा। ठीक है, तो मोड के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा, क्यों कि अगर कट गया तो जीरो, नहीं तो रिमाइंडर बचेगा, यही ना। अब माइनस में जब भी आएगा तो माइनस में अगर आपका नंबर माइनस में है, जिसे डिवाइडेंड बोलते हैं, तो आंसर प्लस में आएगा, आने वाले कितने नंबर डिवाइड हो। जैसे आप नहीं पढ़े थे शेयरिंग वाला, कि इससे नंबर आने वाला कौन सा नंबर कट जाएगा, तो वही आंसर होता था वहां पे। इसमें यही लिखा है कि कितना जोड़ के वहां तक पहुंच सकते हैं, जैसे 16 कितना जोड़ के 20 तक पहुंच जाए, प्लस में। लेकिन अगर नंबर डिवाइडर आपका माइनस में है, मतलब माइनस भाई काटने वाला माइनस होगा, वो माइनस में है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, कल भी आया था, और कल हम सही क्लास प्रॉपर तरीके से हम लोग नहीं ले पाए थे, तो आई थिंक तो अब तो क्लियर हो गया होगा आपका, और क्वेश्चन के मुताबिक आप क्वेश्चन देख भी लीजिए, और थैंक क्वेश्चन आप कर भी लेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें रिमाइंडर की बात नहीं होगी, आने वाला कौन सा नंबर जो कट जाएगा, 2-3 के बाद 4 कट जाएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में आएगा। लेकिन अगर वही माइनस 2 लिखा होता तो माइनस हो जाता, अब दोनों ही माइनस होते तब वो भी देख लीजिए, कि मान लो ये यहाँ पे अगर हम दोनों माइनस लगा दिए तो -5 और -6 तब क्या आएगा आंसर, प्लस में आ रहा है कि माइनस आ रहा है, तब 1 आएगा, क्या रहा है, देखो पूरा बदल गया, कॉन्सेप्ट ही बदल गया, तभी भी रिमाइंडर की बात कर रहा है, जिसका प्लस में, जिसे प्लस में रिमाइंडर की बात कर रहा था ना, एक कॉन्सेप्ट अब और लिख लीजिए आप लोग, ये वाला नहीं लिखवाया है तो एक और कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अगर मान लीजिए प्लस में आया था तो रिमाइंडर लिखे थे ना, देखो 5 से 16 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 15 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, दूसरी तरह अगर माइनस में भी दे रहा है तभी भी किसकी बात होगी, रिमाइंडर की ही बात होगी, लिख लीजिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिएगा, इसमें भी रिमाइंडर की ही बात होगी, किसकी बात होगी, रिमाइंडर की ही बात होगी, 5 से 16 कटेगा नहीं, 5 से 15 ही कटेगा, 1 बच जाएगा, लेकिन आंसर किसमें आएगा, हमेशा माइनस में आएगा, ये बात समझ आएगी नहीं, एक और लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं सोचना है, कटने वाला जीरो जाएगा, जीरो या तो जीरो आ जाएगा, अगर एक नंबर कोई माइनस में होगा तो आगे बढ़ने वाली बात होगी, अगर एक नंबर कोई माइनस में होगा तो आगे बढ़ने वाली बात आएगी, समझ रहे ना, कोई भी हो, चाहे यहाँ पे माइनस दिया हो या यहाँ माइनस दिया हो, तो लेकिन अंतर है इसमें, इसमें आंसर हमेशा प्लस में आएगा और इसमें आंसर माइनस आएगा, लेकिन दोनों आंसर सेम ही आएगा, आंसर दोनों सेम ही आएगा, हाँ आगे सोचेंगे, अगर एक माइनस होगा तो आगे सोचेंगे, कोई दिक्कत है, तो यहाँ एक ही माइनस है ना क्वेश्चन में, क्या है एक ही माइनस है, यानी आगे का सोचेंगे, तीन के बाद कौन सा ऐसा नंबर जो चार कट जाएगा, 4, और प्लस में कि माइनस में, प्लस 1 हो जाएगा, आंसर क्या था, 1 था। चलिए अगला है काउंट फंक्शन का कार्य क्या होता है, काउंट का अभी देखिए, शायद इसमें डी दे दे, शायद दे देगा लेकिन गलत दे देगा, क्योंकि काउंट मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, काउंट जो होता है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और काउंटा होता है वो सबको करता है, या काउंटा होना चाहिए तो आप उपयोग सभी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। देखिए वैसे जहां तक उम्मीद लग रहा है, मुझे लग रहा है आला भी देगा इसमें, लेकिन मैं चेंज करा दूंगा अभी क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इसमें सही लग रहा है, हाँ सिर्फ संख्या ज्ञात कर सकता है, ये बात सही है, लेकिन ऐसे नहीं काउंटा ही होगा, क्या दिया है आंसर, ए दिया है, क्या है ना, डी नहीं हो सकता है, कारण क्या है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को, सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है, काउंट किसको काउंट करता है, सिर्फ नंबर को, अल्फाबेट्स को नहीं करता है, क्योंकि अल्फाबेट्स को काउंट करने के लिए क्या दिया हुआ है, काउंटा दिया हुआ है, काउंट ए बोलिए काउंटा बोलिए, एज यूजुअल जो आपको सही लगे आप उसका यूज करें।
समझ आ रही बात ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है, कैसी? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड है, और भी दोनों? ये और भी दोनों, पब्लिक और प्राइवेट। चलिए सर्च कर लें। ईमेल इज कम्युनिकेशन पब्लिक और प्राइवेट, ई ना क्वेश्चन हो। समू सर सही डाउट कुल क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन है, ईमेल कम्युनिकेशन होती है पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड या और बी दोनों? इसमें कह रहा है पब्लिक, कह रहा है ये सब कह रहा है, दोनों हो सकता है। ट्रिपल सी का एग्जाम नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट दिखा रहा था, पब्लिक और प्राइवेट, सिर्फ पब्लिक दिखा रहा था। वहाँ तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन में नहीं आया, जैसे पब्लिक इसलिए कि क्योंकि एक ही आदमी नहीं यूज करता, बहुत लोग अपना क्योंकि इसमें ही नहीं कहा है कि आपकी ईमेल आईडी कौन यूज करती है, इसमें ही पूछा गया है ईमेल की कम्युनिकेशन होती है कैसी, तो पब्लिक सभी पब्लिकली यूज करते हैं ना ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा डाउटफुल है इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, वैसे पब्लिक को लेकर चलिए नोट कर लीजिए, मैं सर्च कर लूंगा आप लोग बताऊंगा फिर, ठीक है? आई थिंक पब्लिक इसीलिए बोल रहा है क्योंकि कई लोग यूज करते हैं इसको, मतलब कि आपकी पार्टिकुलर ईमेल आईडी की बात नहीं की गई है, बोला ईमेल आईडी कौन यूज कर सकता है, तो पब्लिक के तौर पे ही कह सकते हैं, कैसा कम्युनिकेशन होता है पब्लिक दिया हुआ है, बस चेक कर लिया जाएगा तब आपको बताया जाएगा, ठीक है? अगला है, एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज करते हैं? कंट्रोल का, ए और बी दोनों का, क्या लेंगे आप लोग, कंट्रोल या ए और बी दोनों? हाँ कंट्रोल, क्योंकि शिफ्ट से भी कभी कभी होता है, ठीक है? नोट कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है, जो वर्ड वाला है उसे क्या बोलते हैं, राइटर बोलते हैं, बहुत बड़े। एक्सेल 2013 में कुल कितने रो होते हैं? कंफ्यूज करने के बस 213 लिख दिया 2013 है, रो की संख्या ये थी 10,48,576। पढ़े हैं आप लोग, बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? नहीं सर, बीसीसी का प्रयोग कहाँ होता है? हाँ ईमेल में, बहुत बढ़िया। बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप। पीएमजेडवाई, सॉरी पीएमजेडीवाई
में ओवरड्राफ्ट की लिमिट क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं जी, इंग्लिश बोल दोगे। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री ही बोलोगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलोगे। भले से उसका मतलब वही होता है, लेकिन बोलोगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना, अरे मुझे याद है क्या, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है? 50। सब लोग 50 हैं। सर्च कर लिया जाए, क्योंकि आप लोग 50 बोल बोल के कंफ्यूज कर लिए। वैसे वैसे सही है, 10,000 होगा, परिवर्तन हो गया, तुम्हारे में भी परिवर्तन हो गया। The account holder should have a good credit history. The amount can be available overdraft facility is up to Indian rupee 5,000 सही है। अप टू का है ना, 5,000 की बात नहीं किया है। तो वहाँ का जो भी चल रहा होगा, जैसे मान लो इस टाइम यूएई का जो करेंसी चल रहा है, रियाल है ना वहाँ का, यूएई का, तो वहाँ चल रहा है 22.50 रुपया का, 22.50 रुपए है। तो बताओ 22.50 रुपए है, जैसे ओपन कर लो एक्सेल, 22.50 रुपए इक्वल टू मान लो तुम्हारे खाते में आया 500 रुपया वहाँ का, तो 500 रुपया वहाँ का आया है, और लेकिन भारत में वहाँ का 1 रुपया भारत का 22.50 रुपए के बराबर है। यानी कितना तुम्हारे खाते में आया है? 11,250 रुपया। 500 रुपया भेजा रही है, तुम्हारे खाते में 11,000 वहाँ की करेंसी। हाँ सर, अगर बिजनेस, वहाँ की करेंसी अलग है ना, बिजनेस मतलब करे इंटरनेशनल में, तो वहाँ डॉलर से पेमेंट होता है, डॉलर से पेमेंट होता है। एक डॉलर में 77 कितना है, 82 ऐसा 82 हो गया है, बढ़ गया, काफी रेट बढ़ गया डॉलर का। वही सर, डॉलर में कमाई, एक डॉलर इनटू INR देख लीजिए 83 रुपया 38 वहाँ का, सोचो 1 रुपया है भारत का, 83 रुपया, समझिए 5,000 आएगा मंथली। तो और मान लो तुम 5,000 पा रही होगी वहाँ सैलरी, 5,000 पा रही हो, इक्वल टू 5,000 गुड़े 83.38, इंटर करो 4,16,000, सिर्फ 5,000 में 4,00,000। अमेरिका छोड़िए भारत, महीने का, और मान लो अगर 10 साल रह गई वहाँ पे, तब तो समझिए इक्वल टू 10 खरीद लेंगे सर। अब जोड़ती रहो 41,69,000 ये 10 महीने का है जी, 10 साल का ना, 10 साल में 12,120 ना, 120 वही तो मैं सोचा हूँ, इतना साल देने का क्या फायदा, लो आराम से अब घर बाके ब्याजे पैसे चलाओ। नहीं सर, एक गांव खरीदने। चलिए ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कॉपी करने, कॉपी फॉर्मेट की शॉर्ट कट पूंजी क्या होती है? कॉपी फॉर्मेट का है, इधर तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा बच्चा, ये दोनों कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर्मेट पेंटर का है, कंफ्यूज कर रहा है। 26 का आंसर कहाँ गया जी? नीचे पड़िएगा आंसर में जी है, कहाँ दिया हुआ? ये तो 25 क्वेश्चन और रिपीट हो गया ये वाला। तो ये फॉर्मेट जान दो, काफी फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब समझ रहे हो, फॉर्मेट पेंटर की बात किया है, और फॉर्मेट पेंटर ये ना है कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी, जब भी फॉर्मेट पेंटर कहेगा तो फॉर्मेट का मतलब होता है कंट्रोल शिफ्ट सी। पढ़े आप लोग, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है? किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना, और उसकी मदद से आप वो फॉर्मेटिंग किसी भी अन्य पैराग्राफ या लाइन या अन्य वर्ड पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसएमटीपी जानते ही हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याहू क्या है? सर्च इंजन है, बहुत बढ़िया। एक्सेल में मंडे से सैटरडे तक 20 लिखने के लिए क्या करते हैं? अब कहा किसी सेल में मंडे लिखकर इंटर करने पर, मंडे लिखकर माउस के द्वारा राइट डाउन कोने से नीचे तरफ खींचना, ए और बी दोनों, बी ए और बी तो होना होगा नहीं क्योंकि मंडे लिख इंटर मारे तो आएगा थोड़ी ना, बी होगा ड्रैग करने से आता है। ठीक है, एसएमटीपी का प्रयोग किस तरह के मैसेज भेजने के लिए किया जाता है? ए और बी दोनों, सिर्फ ए, ए और बी दोनों, यूजर टर्मिनल से यूजर मेल बॉक्स से दोनों से भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिख लीजिएगा एसएमटीपी का यूज, पहली बात एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है मेल सेंड करने के लिए, हमेशा याद रखिएगा। और किस टाइप का? फ्रॉम द यूजर टू टर्मिनल, फ्रॉम यूजर टू मेल बॉक्स। हो गया अगला क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? 255, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा देखिए, इसको मैं कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, देखिए कॉपी कर पा रहा हूँ, देखिए कॉपी कर पा रहा हूँ, मतलब एक क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, मुझे कॉपी करना है, देखो कॉपी सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, देखो तो हम कैसे इसको कॉपी करेंगे? सबसे पहले एक नया टैब खोल लेंगे और यहाँ सर्च करेंगे एड टू क्रोम एक्सटेंशन, क्या सर्च करेंगे और नीचे आएंगे, ये लिखा होगा सिंपल कॉपी वाला, ये नहीं है, ये भी नहीं है, सिंपल कॉपी करके आता है वो, एड टू सिंपल कॉपी एड टू क्रोम एक्सटेंशन, ये रहा सिंपल अलाउ कॉपी, दिख रहा है ना, क्लिक करेंगे
और ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसको क्या कर लेंगे, ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, देखिएगा, देखिए यहाँ टर्न ऑन कर दीजिए इसको, देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन। और यहाँ पे क्या कर लीजिए, सिंपल कॉपी, पिन कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पिन हो गया, देखिए पिन हो गया ना, केवल हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या करिए, इसी को फिर से एक बार कॉपी कर लीजिए इसको, क्योंकि इस अभी भी काम कर नहीं पाएंगे। नया टैब ले लीजिए, करिए सेम, यही पेज खुल जाएगा, सेम यही पेज खुल जाएगा। अब पेज खुलने के बाद मान लीजिए कॉपी नहीं कर पा रहे थे ना, देखिए अभी भी कॉपी नहीं कर पाएंगे, देखिए कॉपी कर पा रहे हैं, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये अलाउ हो जाएगा यहाँ पे। क्यों अलाउ हो नहीं रहा है, अलाउ हो गया। अब देखिए तो क्योंकि उसने प्राइवेसी लगा रखा था, मैंने उसकी प्राइवेसी को तोड़ दिया। चलो भाई अब जो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना है कॉपी पेस्ट कर लीजिए, नीचे कर दीजिए, अब सब आने लगेगा। कितना है जी, कितना है? अब इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी कर ली और विंडो आर करके क्या कर लिया, ग्रीन वर्ड, और यहाँ लाके पेस्ट कर लिए। और कंट्रोल भी दबा दिया, देखिए जितना हुआ था सब आ गया, इधर सारे क्वेश्चन आ गए। हाँ बस अब इसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो ऐसे होते हैं, तरीका है, ये सब दिमाग में रखिएगा। ईमेल के लिए जरूरी क्या है, कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन। जंक ईमेल की क्या कहते हैं, स्पैम, स्पूफर, स्पूर, क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना चाहते हैं, भेजना दिख गया है, भेजना होगा, तो कौन सा कमांड प्रयोग करेंगे, मेन लिखा मेल रिफ्लेक्टर, मेल सहायक, अदरली या मेल सॉर्टर। ये क्या गिरा जी, कार्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन ए, मेल रिफ्लेक्टर का यूज करेंगे। कहा ईमेल में कितने मैक्सिमम कितनी फाइल भेज सकते हैं, 25 MB की, कितनी एमबी की, 25 MB की, देखिए 25 MB सही होगा। ईमेल में के अवांछित मैसेज किस बॉक्स में रहते हैं, अवांछित का मतलब होता है अनसॉलिसिटेड मैसेज, कहाँ रहते हैं, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, स्पैम, ड्राफ्ट, कहाँ रहते हैं, स्पैम या आउटबॉक्स, क्या होगा, स्पैम में होगा। ईमेल में अधिकतम कितना साइज का फाइल, ये तो बताएंगे अभी। अवांछित ईमेल क्या होते हैं, अनसॉलिसिटेड, स्पैम, ईमेल सेंड, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों हो जाएगा, दोनों। IMAP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट मैसेज, मैसेज की स्पेलिंग गलत है, मैसेज हो गया, AMEI होगा। मैसेज एक्सेप्ट पुट लिख लीजिएगा, IMAP का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेप्ट प्रोटोकॉल। उसको जहां भी सेव करना है, फाइल पे आइए, सेव पे आइए, लोकेशन ले लीजिए, और ले लिया इसी में क्वेश्चन 6 और सेव कर दिया, देखिए सेव हो जाएगा, हो गया, समझ रहे ना बात को। तो आप लोग भी करिएगा, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगली क्लास में। ईमेल कैसी कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पे भी आया हुआ है, देख रहे हैं ना, और दिया हुआ है पब्लिक, देखो इस बार सही है। पब्लिक आ गया, कैसी होती है, पब्लिक होती है, वो भी था ना, हाईलाइट किए थे, तो सही कर दिया जाए। यहाँ पे भी तो पब्लिक ही दिया था जी, लग रहा दोनों कहाँ होगा, एक ही होगा, प्राइवेट है पब्लिक उधर।
कोई दिक्कत नहीं है ना? मिल गया सर, मिल गया, मिल गया। तुम मत बोला करो। चलिए इतना ही रह लीजिए।